हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात, आप सब कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत इन इजी वे में। आज हम रुचिरा तृतीय भाग से अष्टमः पाठः संसार सागरस्य नायिका के अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। अभ्यास प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न हमारे पास में है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। प्रश्न क, कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते।
को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करो। प्रश्न कैस में है, सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति इस्म। यहाँ रेखांकित पद है सुरक्षा प्रबंधनस्य, तो सुरक्षा प्रबंधस्य, सुरक्षा प्रबंध का, तो यहाँ जो इस पंक्ति का हिंदी अनुवाद होगा वो है सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर निभा रहे थे। प्रश्न क्या बनेगा इसका कि किसका दायित्व गजधर निभा रहे थे, तो किसका के लिए जो प्रश्नवाचक पद होगा वो है कस्य। प्रश्न हम पूरा लिखेंगे, कस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति इस्म, उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अगला हमारे पास में है ख तेसाम स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। यहाँ रेखांकित पद है तेसाम, उनके स्वामी असमर्थ है, तो प्रश्न बनेगा कि किन के स्वामी असमर्थ है और किन के लिए प्रश्नवाचक पद होता है केसाम। केसाम प्रश्न पूरा लिखेंगे, केसाम स्वामिनः असमर्थाः सन्ति, उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। गय में है, कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति। कार्य की समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त करते हैं, तो यहाँ जो रेखांकित पद है वो है वेतनानि। तो प्रश्न क्या बन जाएगा, कार्य की समाप्ति पर किसके अतिरिक्त वेतन यानी कि सम्मान
है पद निर्माणम कुरुत। पद निर्माण करो या शब्द निर्माण करो। यहाँ धातु प्रत्यय और पद दे रखे हैं, तो पद की जगह हमें लिखना है, धातु और प्रत्यय इसमें लिखे हुए हैं। एक उदाहरण भी दे रखा है, क्र, ये ई जो लिखे हुए हैं इनको आप इग्नोर कीजिएगा। क्र प्लस तुमुन, क्र और तुमुन को जोड़ करके बना करतुम। तो इसी प्रकार से हमें भी इन धातुओं के साथ में तुमुन प्रत्यय जोड़ना है। तुमुन प्रत्यय कर या कर के अर्थ के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो करतुम का अर्थ हो गया करने के लिए। संपूज्य, आ प्लस नी प्लस ल्याप प्रत्यय बनेगा इसमें। प्रत्यय का जो पद बनेगा जुड़ने के बाद में वो है आ नीय। प्र प्लस दा प्लस ल्याप पद बन जाएगा इसका प्रदाय। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, कोष्ट केसु दत्तेसु शब्देसु समुचिताम विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टकों में दिए गए शब्दों में उचित विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। उदाहरण यहाँ एक दे रखा है, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। यहाँ ब्रैकेट में दे रखा था विद्यालय, तो विद्यालय की यहाँ जो विभक्ति बनी है वो है विद्यालयम, द्वितीय विभक्ति, क्योंकि यहाँ जो परितः पद आया है यह उपपद विभक्ति है और परितः के साथ में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। यहाँ उपपद विभक्ति दे रखी है, तो हमें ध्यान रखना है ब्रैकेट में जो पद दिए हैं उनका उपपद विभक्ति के अनुसार ही यहाँ प्रयोग करना है। तो सबसे पहले क हमारे पास में है रिक्त स्थान, उभयतः ग्रामाः सन्ति। उभयतः यहाँ
उपपद विभक्ति है और ब्रैकेट में दे रखा है ग्राम, तो ग्राम का यहाँ आ जाएगा ग्रामम, क्योंकि उभयते के साथ में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग विभक्ति पित्र, ये रिक्कारांत शब्द है और रिक्कारांत की तृतीय विभक्ति होती है पित्रा। समझ में आ रहे हैं सभी को? देखिए पित्र ये रिक्कारांत शब्द है और रिक्कारांत की तृतीय विभक्ति होती है पित्रा, तो लिखेंगे यहाँ पुत्र पित्रा सह आपणा गच्छति, पुत्र पिता के साथ बाजार जा रहा है। और अंत में इसमें दे रखा है शिशु ह रिक्त स्थान सह क्रीड़ति, ब्रैकेट में दे रखा है मात्र, ये भी रिक्कारांत है, स्त्रीलिंग शब्द है, मात्र की तृतीय विभक्ति आएगी सह के योग में, जब सह उपपद विभक्ति है तो इसके साथ में मात्र की तृतीय विभक्ति बन जाएगी मात्रा। शिशु मात्रा सह क्रीड़ति, शिशु माँ के साथ खेल रहा है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें लिख करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।